यहाँ पर अभी सीन ये है, मैंने अपना टास्क जेमिस बर्निंग स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर सच्ची में भाई साहब जिम के अंदर आग लग चुकी है। और अस्सलाम वालेकुम बहुत सब इलेक्ट्रो स्क्वाड, इट्स योर बॉय मिस्टर इलेक्ट्रो इन द हाउस। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं बुली स्कॉलरशिप एडिशन। तो जैसा कि लास्ट गेम प्ले वीडियो से आप सभी लोगों को याद होगा, अगर लास्ट गेम प्ले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में गेम प्ले सीरीज के लिंक पे ना वहाँ से आके देख सकते हो, या राइट साइड पे आई आइकन बना रहा होगा वहाँ से जाके भी आप लोग लास्ट गेम प्ले वीडियो चेक कर सकते हो। तो लास्ट गेम प्ले वीडियो से आप लोगों को याद ही होगा, जिसने देखा है तो उसको तो याद ही होगा भाई साहब, हम लोगों की फाइट स्टार्टिंग वीडियो नर्ड बॉस फाइट चैलेंज हुई थी और हम लोगों ने नर्ड्स गैंग के जो सबसे बड़ा बॉस है अर्नेस्ट, उसको जाकर उसके इवेंशन पर हरा दिया था। और साथ ही साथ फिर हमने डॉल की कुछ पिक्चर्स ली थी और कुछ भी बढ़िया से मिशन कर रहे थे। उसके बाद गाइस हम लोगों की फाइट स्टार्ट हो गई थी जॉक्स से। जॉक्स आप लोगों को पता है जो फुटबॉल स्टेडियम में जो लड़के होते हैं ना, बड़े बड़े जो जिम के अंदर लड़के पाए जाते हैं भाई साहब, वो जॉक्स कहेंगे पूरी पूरी। और उन जॉक्स को लड़कों के हम हराने के लिए हम लोगों को नर्ड्स की मदद की जरूरत थी और नर्ड के बॉस अर्नेस की मदद लेकर ही हम लोगों ने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रैंक्स करे थे। टोटल 5-6 प्रैंक्स करे थे बड़े बड़े। उसके बाद हम लोगों ने फुटबॉल स्टेडियम में उनके काफ़ी ज़्यादा बंदे भी पीटे और जॉक्स के लीडर को भी हरा दिया था हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोग बन चुके थे सभी गैंग्स के बॉस। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 5 और देखेंगे गाइस कितनी बड़ी बड़ी गैंग्स आती हैं। फिलहाल हमारा बदला भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि इस सीरीज की शुरुआत ही गैरी के पड्डे से हुई थी और अब गैरी को ही मारकर हम लोग इस सीरीज का एंड करेंगे। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक कर देना और कमेंट में जरूर अपने फेवरेट गेम्स के नाम जरूर बता देना। तो बिना किसी देरी के फटाफट से गेम ले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स किक ऑफ। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मैं अभी जाने वाला हूँ अपना नेक्स्ट मिशन स्टार्ट करने के लिए जो कि है स्टार्टिंग मेकिंग अ मार्क। तो फटाफट से अपने इस नेक्स्ट चैप्टर 5 के पहले टास्क को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, मेरी फिलहाल अपनी सारे के सारे बंदों से बात हो चुकी है और मेरी अभी नर्ट बॉस से भी बात हो गई, साथ ही साथ उसके साथ मौजूद था ग्रीस बॉल किड्स का बॉस भी। और लेकिन ग्रीस बॉल किड्स का बॉस मुझे मिला नहीं, वो मौजूद तो था लेकिन वो भाग गया कहीं पर, उसका नाम जॉनी विंसेंट है, वो मुझे अभी तक मिला नहीं। लेकिन साथ ही साथ अभी भाई हम लोगों को अभी जाना होगा बुलवर्ड टाउन सिटी हॉल और वहाँ पर जाकर हम लोगों को अपना मार्क लगाना होगा। हाँ, तो क्योंकि लास्ट गेम वीडियो से आप लोगों को ये पता ही होगा कि हम लोग इस स्कूल के किंग तो ज़रूर बन गए थे, स्कूल में जितनी भी गैंग्स हैं हम लोगों ने उन सबको तो हरा दिया था। लेकिन हम लोगों ने अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपना पार्किंग लॉट से साइकिल निकालने के लिए ताकि मैं जल्दी से बुलवर्ड टाउन के सिटी हॉल तक पहुँच सकूँ। तो लास्ट गेम वीडियो में हम लोगों ने स्कूल में तो अपना मार्क लगा दिया था कि हम लोग पूरे स्कूल के किंग हैं और हमारे से कोई भी पंगा नहीं लेगा, सारी की सारी गैंग हमारे अंडर ही काम करती हैं। लेकिन अब टाउन वालों को ये बात कौन बताएगा, ये बात भाई साहब हम लोग ही टाउन वालों को बताएंगे। तो उसका मार्क लगाने के लिए हम लोगों को सिटी हॉल जाना होगा जहाँ पर हम लोग स्प्रे पेंट से स्प्रे कर देंगे और ये मार्क लगाएंगे। तो अभी फटाफट से चलते हैं कुछ स्प्रे बाय करने के लिए क्योंकि स्प्रे कैंस मेरे पास अभी नहीं है, फिलहाल वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी फिलहाल मैं जाऊँगा बुलवर्ड टाउन और वहाँ से जाकर बाय करूँगा स्प्रे कैन और फिर चलेंगे सिटी हॉल और वहाँ पर जाके स्प्रे पेंट करेंगे। ऑलराइट गाइस, सिटी हॉल में पहुंच चुका हूं और स्प्रे पेंट भी मैंने यहां से बाय कर लिया था शॉप से और अब फटाफट से हम लोग सिटी हॉल के टॉप पर क्लाइंब करने वाले हैं। फिलहाल मुझे अपनी साइकिल यहीं पर ही गिरानी होगी और अब ओके साइकिल को छोड़ते हैं, ऊपर चलते हैं। तो अभी फटाफट से इन स्टेयर्स के थ्रू भाई साहब हम लोग इस लैडर के थ्रू ऊपर चढ़ने वाले हैं। स्टेयर्स तो वो होती हैं जो घर के अंदर होती हैं, बाय द वे ये लैडर है, इसी तरह की लैडर्स हर बिल्डिंग के आगे पीछे लगी हुई होती हैं। फिलहाल मैं अभी ऊपर चढ़ चुका हूँ, शायद से ये टॉप तो नहीं है, सिटी हॉल इतना छोटा तो नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा ऊपर और जाना होगा फिलहाल यहाँ से। ओके, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं इस तरफ चल के ओके और स्टेयर्स हैं यहाँ पर भाई साहब, ये लैडर एक और लगी हुई है यहाँ पर। अच्छा, हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर बुलवर्ड टाउन पूरा पूरा व्यू चेक करो गाइस आप, तो ये देखो पूरा को पूरा बुलवर्ड टाउन भाई साहब यहाँ से नज़र आता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, हम लोगों को अभी और ऊपर जाना होगा, ये कह रहा हूँ। ओके, तो अभी और ऊपर चलते हैं क्योंकि गाइस हम लोगों को इस सिटी हॉल के सबसे टॉप पर अपना मार्क लगाना होगा। ओके, ये देखो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे टॉप पर आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ पर अपना टैग लगाने वाला हूँ।
जो कि कोई नॉर्मल एक आम सा टैग नहीं होने वाला, बल्कि बहुत ज़्यादा खतरनाक टैग होने वाला है, जो कि मार करने वाला है सारे टाउनी, सारे लोगों जो कि इस बुलवर्ड टाउन के अंदर रहते हैं। और ये बताने वाला है कि बुलवर्ड का बॉस है जिमी हॉपकिंस। ओके, अब मैंने फिलहाल अभी यहाँ पर बुलवर्ड तो लिख दिया है, आगे पता नहीं क्या लिख रहा है भाई साहब, एक कोई गलत सा वर्ड लिख रहा है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं अभी। ओके, हम लोग थोड़ा सा इसको पेंट कर देते हैं। ओके, व्हाट्स अप, मेरे सिटी हॉल पे पेंट करने से यहाँ पर पुलिस वाले आ गए, क्योंकि लोगों ने पुलिस को कॉल कर दी होगी कि कोई बच्चा ऊपर चढ़ा है और वो सिटी हॉल पे पेंट कर रहा है। फोटोग्राफ द ट्रैक, ओ भाई साहब, फोटोग्राफ, अब हमें इसकी पिक्चर लेनी होगी स्ट्रीट से। बट मैं यहाँ से अभी नीचे उतरने वाला हूँ, क्योंकि मैं जंप मारूंगा तो मेरी हेल्थ ज़रूर जाएगी। फिलहाल मैं अभी यहाँ से नीचे उतरता हूँ और मुझे स्ट्रीट से, ओ भाई साहब नीचे नीचे उतरना नहीं है, मुझे फोटोग्राफ लेनी होगी स्ट्रीट से। बट मैं अगर स्ट्रीट पर इतनी नॉर्मली गया तो पुलिस मुझे पकड़ सकती है, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे देख लिया है, बुलवर्ड टाउन के जो बंदे थे उन्होंने मुझे देख लिया है। ओ भाई साहब, यहाँ पर पुलिस अगर घूम रही है, लेकिन अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ से निकलता हूँ, थोड़ा सा इधर जाता हूँ, इससे पहले पुलिस वाले मुझे पकड़े आके मैं यहाँ से कैमरा निकालता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर निकाल लिया अपना कैमरा और अभी मैं यहाँ से खड़ा हुआ ना फोटो ले लेता हूँ फटाफट से। ओके, थोड़ा सा जूम करते हैं और ओके, हमने यहाँ पर फोटो ले ली है और अभी फिलहाल हम लोग बॉयज डॉम में जाने वाले हैं। पुलिस वाले तो इतना मुझे कुछ केयर नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे शायद से देखा ही नहीं है यहाँ पर। ओके, तो जितना अच्छा है हमारे लिए कि उन्होंने हमें देखा नहीं है, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है हमारे लिए। तो अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं वापस से अपने बॉयज डॉम में, जहाँ पर हमारे साथ सारे बैठे हुए थे, डर भी बैठा हुआ था गाइज, और नर्ड बॉस भी था अर्नेस्ट, और जॉक बॉस भी था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, और साथ ही साथ पीटर भी था, लेकिन वो परेशान था काफ़ी ज़्यादा गैरी को लेकर, क्योंकि गैरी गाइस टाइम आने पर गैरी हमें ज़रूर मिल जाएगा। बाय द वे, ये बाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा बॉडी वेट चेंज कर लिए थे और मैं अंदर आके, भाई आप इधर अंदर आ जाते हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल पीटी को मैं आगे बता देता हूँ, क्योंकि पीटी काफ़ी ज़्यादा परेशान था गैरी को लेकर, और उसको मैं बता कर गया था क्योंकि मैं किंग हूँ। Let's just say it ain't exactly coming true. Well, if anyone okay, abhi filhal ab baat kar raha hai. I think Gary must be behind it, but trust me, everyone wants a fight. Everyone wants Listen, a fight. I gotta go. I'll talk to you later. Okay, abhi filhal to ye yahan se chala gaya hai, but Gary ko is baare mein zarur pata hoga. Chalk respect -75, Greaser respect -75, Preppy respect -75, Nerd respect -75, Townie respect +25. Okay, guys. प्रेपी जो है गाइज वो लोग हैं, रिच किड ब्लूज को प्रेपीज भी कहते हैं, नर्ड उनको कहते हैं ग्रीन वाले जो हैं, और जॉक्स वो हैं, और टाउनीज जो हैं वो बाहर वाले बंदे हैं जो टाउन के बाहर होते हैं, बुलवर्ड अकेडमी के अंदर नहीं होते। तो गाइज अभी फिलहाल हम लोग अभी जाने वाले हैं अपना नया टास्क करने के लिए, जो कि है रैट्स इन द लाइब्रेरी। तो फटाफट से इस टास्क को कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। ऑलराइट गाइज, फिलहाल मैंने इस टास्क को स्टार्ट कर लिया है, और अभी फिलहाल सीन ये है, मुझे अभी ये लाइब्रेरी में इन सब बंदों ने बुलाया है, मेरे दोस्तों ने, जो कि जिनमें भाई साहब बहुत लोग शामिल हैं, उनके नाम भी इस गेम में इनके अंदर नहीं बताए हैं, बट अभी फिलहाल उन्होंने मुझे बोला है कि ये जो चूहे हैं ना लाइब्रेरी के अंदर, भाई साहब इन चूहों को मुझे मारना होगा, क्योंकि मैं भाई साहब लीडर हूँ, तो मैं इन कामों के लिए भी बना हूँ। कोई भी बंदा इन चूहों को यहाँ से निकाल नहीं पा रहा था, फिलहाल मैं अभी इन स्लिंग शॉट से इन 20 के 20 चूहों को यहाँ से निकाल देता हूँ। 20 चूहे के चूहे मैंने यहाँ पर मार दिए हैं, और अब देखते हैं क्या सीन है। चेक द डिलीवरी क्रेट टू सी इफ एनी ऑफ देम आर स्टिल लुकिंग इन देयर। 20 क्रेट्स, द रेड्स अपीयर वंस दोस बुक्स वर डिलीवर्ड। एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन मिस, आई थिंक आई गॉट देम ऑल। ओके गाइस, अभी लाइब्रेरियन कह रही है यहाँ पर कि ये बुक्स जब यहाँ पर लाइब्रेरी में लाई गई थी ना, उनके उस शायद इन बुक्स के साथ ही साथ है ना वो चूहे भी यहाँ पर आए थे, शायद तो किसी ने डाल के भेजे हैं यहाँ पर, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इन बुक्स के साथ ही वो चूहे आए थे। तो इस ब्रीफ केस में जो बुक्स रखी हुई थी गाइस, अभी फिलहाल हम लोग लाइब्रेरी से बाहर चलते हैं। फिलहाल लाइब्रेरी भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप लोग, वॉइस ऑफ
कॉफी ज्यादा मस्त है लाइब्रेरी में। फिलहाल लाइब्रेरी बाद में घूमेंगे, अभी बड़ा वक्त चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क के लिए जो कि होने वाला है द जिम इज बर्निंग। ऑलराइट गाइस, यहां पर अभी सीन ये है, मैंने अपना टास्क जिम इज बर्निंग स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर सच्ची में भाई साहब जिम के अंदर आग लग चुकी है। और ओके वेट अ मिनट, साइड से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर फायर है। अभी फिलहाल जिम के अंदर देयर आर नो फायर डाउनस्टेयर्स। ओके फायर एक्सटिंग्विशर ले रहे, मैं नीचे गया था बट अभी फायर एक्सटिंग्विशर साइड पर ही है। फिलहाल मुझे यहाँ पर अभी इन आपको बुझाना होगा जितनी भी आग यहाँ पर लगी हुई है। फिलहाल अभी सीन ये है गाइस, क्योंकि मैं आग सुलझाने यहाँ पर आया ना, मैंने चेक करने आया कि जिम के अंदर हुआ क्या है। तो जिम का टीचर जो है ना, वो रियल में मेरे ऊपर नाम लगा रहा है कि जो आग है ना वो मैंने लगाई है जिम के अंदर। और वो कहता है ओके, थोड़ा पीछे हो जाते हैं, मेरे कपड़ों पे आग ना चढ़ जाए। वो कहता है कि ये आग है ना अभी फिलहाल मैंने लगाई है यहाँ पर, मैंने तो ये आग लगाई नहीं है। बट ये आग लगाई किसने इसका पता तो हम लोग बाद में करेंगे। वो जिम का टीचर मेरे ऊपर ही नाम लगा रहा है, उल्टा मैं यहाँ पर बचाने के लिए। ओके थोड़ा सा नीचे, एक मिनट वेट अ मिनट, थोड़ा सा आगे। ओके यहाँ पर इस वाली आग को हम लोग बुझा देते हैं। अभी फिलहाल चाहते हैं यहाँ पर आग लगी हुई है, एक मिनट एक इस बच्चे को पहले बचाते हैं। ये बच्चा को गिरा हुआ है, लड़का है या बच्चा कौन है। फिलहाल अभी इसको यहाँ पर उठाते हैं, फिलहाल अभी ना इसको उठाते हैं, ये उठाते हैं और अभी ये लड़का यहाँ से निकल जाए। और अब पहले आग बुझाते हैं यहाँ पर। गाइस अभी सीन ये है, जिम के अंदर मैं आया तो जिम के अंदर यहाँ पर आग लगी पड़ी थी। ओके यहाँ पर ये लौला है शायद से। ओके फिलहाल अभी कोई और भी शायद से फंसा हुआ है यहाँ पर। ओके और भी लोग फंसे हुए भाई साहब, सिर्फ वो नहीं था यहाँ पर, और लोगों को भी मैंने बचा लिया बट फिलहाल। ओके अब यहाँ पर ये वाली आग बुझानी होगी हम लोगों को, क्योंकि ये बंदा यहाँ से बाहर नहीं आ रहा हमारा। ओके बस ओके और जगह आग लगी हुई है भाई। सीन ये है अभी वो जिम का टीचर जो है ना, वो इस फायर का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहा है, क्योंकि गाइस उसको मेरे से जलाने, तो जिम का टीचर जो है वो इस फायर आग लगने का है ना जिम्मेदार मुझे ठहरा रहा है। और वो बोल रहा था मैं पुलिस बुला लूँगा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और ऐसे ऐसे कुछ बोल रहा था। और सब लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमें बुली करना पसंद है, लेकिन मैं लीडर इसलिए बना था और जिमी लीडर इसलिए बना था। स्टॉप द व्हाट इज़ दिस, हमेशा से बाहर जाना है यहाँ से। ऊपर देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर, ऊपर तो कुछ नीचे जाके तो कुछ नहीं करना हम लोगों को। ओ भाई साहब यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा, हमें कुछ तो करना है। प्लीज शावर बिफोर अगेन, एक मिनट यहाँ पर तो कोई आग नहीं लगी हुई। ओके यहाँ पर तो कोई नहीं है, सारा एरिया अच्छे से चेक कर लेते हैं। ओके भाई साहब ये कोई बंदा है बाहर का, ये स्कूल का बंदा तो मुझे नहीं लग रहा, इसने लग रहा आग लगाई है। मैं नीचे चेक कर रहा था कि आग किसने लगाई है, ये किसी बाहर के बंदे ने लगाई है शायद से, मुझे कोई गुंडा वुंडा लग रहा है जो बाहर टाउन से आया है स्कूल के अंदर। फिलहाल अभी उस जिम के टीचर को मैं हम लोग बता देंगे कि ये आग हमने नहीं लगाई थी, उसके सामने वो बंदा बाहर भाग कर गया है। और ये जिम के अंदर आग लगाने वाला शायद से वही बंदा था, क्योंकि वो ही यहाँ पर गुस्सा कर रहा था कि आई हेट दिस स्कूल, आई डोंट लव। भाई साहब वो कोई बाहर का बंदा था, हम लोग क्यों आग लगाएंगे जिम के अंदर, वो टीचर हमारे ऊपर नाम लगा रहा था। बट अभी देख रहा हूँ ये जो देख रहा हूँ मुझे मारने आ रहे हैं, इन लोगों को मैं बाद में बताता हूँ अभी, क्योंकि गाइस अभी हम लोगों ने टाउनीज के लिए रिस्पेक्ट करी ना। ये देखो प्रीफेक्ट के सामने मुझे मारेंगे नहीं। फिलहाल अभी रात हो चुकी है और अभी रात को मैं चलता हूँ गाइस सोने के लिए, और सुबह उठ के भाई साहब अपना अगला टास्क करेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मुझे और भी टास्क आए हैं, डिस्क्रीट डिलीवरीज। ओके इसको चेक करते हैं ये कौन सा टास्क है, ये टास्क हम लोग रात में करने वाले हैं, क्योंकि शायद से रात में ये अवेलेबल हुआ है कि सुबह ये नहीं था। सुबह सुबह जब गुड मॉर्निंग हुई थी मैं उठा था सुबह 8 बजे के टाइम पे, उस टाइम ये टास्क नहीं था। फिलहाल मैं अभी जाने वाला हूँ स्कूल के अंदर, लेकिन स्कूल के अंदर तो प्रोहिबिटेड है 7 के बाद जाना, लेकिन फिलहाल मैं अभी भी अंदर घुसने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कौन सा टास्क है। फिलहाल अभी कोई प्रीफेक्ट मुझे पकड़ ना ले इसलिए फटाफट से चलते हैं ऊपर, शायद से ऊपर का टास्क है। ओके नहीं ये नीचे का टास्क है, ये नीचे से मुझे करना पड़ेगा स्टार्ट। ओके अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस फिलहाल मैंने अपना नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर दिया है,
डिस्क्रीट डिलीवरीज, और मेरी बात हो चुकी है अभी फिलहाल केमिस्ट्री के प्रोफेसर से, और उन्होंने मुझे बोला है मुझे कुछ डिलीवरीज करनी है उनके लिए, जो कि उन्होंने कुछ ख़ास स्पेशल फार्मूला रखा हुआ है जिनको, जिस फार्मूले को हम लोगों को कुछ लोगों को डिलीवर करना है। बट अभी सीन ये है, हम लोगों को वो फार्मूला जाकर प्रोफेसर के असिस्टेंट से लेना होगा, मीन्स डॉक्टर वॉट्स के असिस्टेंट से लेना होगा, जिसको मैं अभी ढूंढ कर उससे फार्मूला लेता हूँ फटाफट से, और उसके बाद उनको टाउनीज को हम लोगों को डिलीवर करना होगा, जिसको हमें डॉक्टर वॉट्स ने बताया है डिलीवर करने के लिए। बट अभी फिलहाल वो बंदा पता नहीं कहाँ पर है, समझ नहीं आ रहा वो असिस्टेंट है कहाँ पर रियल में। आई एम सॉरी, ये कौन था, शायद से वो गेट द फॉर्मूला फ्रॉम डॉक्टर वॉट असिस्टेंट। ओके, मुझे लग रहा है वो स्कूल से बाहर है, तो फटाफट से चलते हैं अपने स्कूल से बाहर, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मैं अभी पहुंच चुका हूँ। ओके, इसको पकड़ो पहले, अब तुम लोग हटो। ओके गाइस, अब भी फिलहाल मैंने डॉक्टर वॉट्स के असिस्टेंट से ये फार्मूला ले लिया है, और अभी फिलहाल ओ भाई साहब ये कौन है, इनको छोड़ो। अभी फिलहाल मैं अपनी साइकिल पर आया था, वो साइकिल किधर है मेरी, साइकिल मेरी साइकिल किधर गई, ओबे मेरी साइकिल किधर गई यार, टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, और मेरी साइकिल यहाँ से गायब कर दी है भाई उन्होंने, ये उन्होंने क्या हरकत की है। ओके गाइस, अभी फिलहाल इन डिलीवरीज को मुझे फटाफट से देना होगा, लेट्स गो। ओके गाइस, हमारी लास्ट डिलीवरी यहाँ पर जिम टीचर की थी, जो कि हमें जिम टीचर को देनी थी। भाई साहब इसने मेरे ऊपर नाम लगाया था कि रिटर्न टू मिस्टर वॉट्स। ओके, अभी मिस्टर वॉट के पास हमें वापस भी जाना है, उनको बताना है जाकर कि हम लोगों ने सारी डिलीवरी आपकी मुकम्मल कर दी है, तो अभी फटाफट से चलते हैं डॉक्टर वॉट्स के पास। ऑलराइट गाइस, अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ डॉक्टर वॉट्स के पास, और इनको बता देते हैं कि हम लोगों ने वो डिलीवरी मुकम्मल कर दी है। मेरिकल हेयर ग्रोथ, ये पता नहीं कौन से फॉर्मूला बना रहे थे केमिस्ट्री के साथ, बट अभी मैंने फिलहाल ये सब कुछ इनकी डिलीवरीज मुकम्मल कर दी, और अभी फिलहाल रात हो चुकी है, और अभी फिलहाल हम लोग जाके सोते हैं पड़ा वक्त, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को बाकी टास्क करने का टाइम आएगा, तो फटाफट से अभी चलते हैं सोने, क्योंकि प्रीफेक्ट भी मेरे पीछे पड़े हुए, क्योंकि मैं स्कूल के अंदर घुसा था, स्कूल के अंदर 7 बजे के बाद घुसना ट्रेस पासिंग करते, तो अभी फटाफट से चलते हैं हम लोग सोने के लिए, सुबह फटाफट से उठ के हम लोग नया टास्क करेंगे। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मैंने अभी एक आंटी की स्कूटी छीन ली है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं जॉनी विंसेंस का टास्क स्टार्ट करने के लिए, फिलहाल उसको देख लेते हैं, अभी लोकेशन में मार्क कर लेते हैं। लेकिन गाइस, मैंने एक आंटी की स्कूटी चुरा ली है, ये वाली, ये बाइक से काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती है, इसमें कोई इतने पंगे भी नहीं है, लेकिन एक मसला है इसके अंदर, अगर पुलिस वाले ने मुझे इसको बिना हेलमेट के चलाते हुए देखा, जो कि मैं अभी करंटली चला रहा हूँ, तो वो मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे ज़रूर आएंगे, क्योंकि लॉस को तोड़ना तो गलत बात है ना, इसलिए पुलिस मुझे पकड़ने आएगी। फिलहाल मैं इसको अभी यहाँ पार्क कर देता हूँ और देखता हूँ ओ भाई साहब तुम लोग क्यों मार रहे हो, और अभी अपना नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मेरी अभी बात हो चुकी है एक ग्रीस बॉल किट से, और साथ ही साथ लौला से भी बात हो चुकी है। भाई साहब वो दोनों कह रहे हैं भाई मेरी स्कूटी कहाँ गायब हुई, लेकिन शायद से वो कुछ चुरा के ले गया, अब मैं इन अंकल की स्कूटी चुराऊंगा। ए अंकल स्कूटी दे, चलो उतार स्कूटी दे, चलो अब निकलो, और अब आएगी पुलिस मेरे पीछे, लेकिन अभी पुलिस का मुझे डर नहीं है। फिलहाल मुझे जाना होगा अभी अजायलम, क्योंकि वो क्रिस वॉल किट बता रहा था कि जॉनी विंसेंट जो है वो लापता हो चुका है, और शायद से भाई उसको अजायलम उठा के लेके गए ये खबर मिली है, तो अभी फिलहाल मुझे जाके अजायलम में चेक करना होगा कि जॉनी विंसेंट वहीं पर ही है या फिर नहीं। लेकिन अभी फिलहाल ये पुलिस वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हेलमेट के बिना स्कूटी चलाऊंगा, और ये स्कूटी तो मैंने चुराई भी है, तो इसी वजह से ये पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हुए। फिलहाल मैं अभी जाने वाला हूँ अजायलम, और थोड़ा बहुत चलते हैं भाई साहब, लेट्स गो। तो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ अभी हैप्पी बोल्ट्स अजायलम, नाम भी कैसा भाई, हैप्पी बोल्ट्स अजायलम, यहाँ पर छटके तो ज़रूर लगाते दिए जाऊँगे, बट यहाँ पर अभी अजायलम के जो स्टाफ है, इन स्टाफ मेंबर से मुझे छुपकर जाना होगा। फिलहाल मैं अभी स्कूटी यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। लास्ट टाइम लोगों को याद होगा मैं शायद से पहले भी आ चुका हूँ, मुझे याद नहीं है ये, याद आया मुझे, शायद से मैं पहले भी आ चुका हूँ इस अजायलम में, शायद से प्रोफेसर हॉप प्रोफेसर को निकालने आया था, मैं मिसेस फिलिप्स के कहने पर यहाँ पर किसी प्रोफेसर को निकालने आया था, मुझे याद तो आ रहा है। फिलहाल मैं अभी इस दरख्त पर चढ़ जाता हूँ, और यहाँ से क्लाइम करके इसकी ब्रांच से ब्रांच पर बैठ कर जंप मार लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसी तरीके से शायद से अदालम में एंटर हुआ था,
फिलहाल मैं थोड़ा सा उधर होके यहाँ से मैं नीचे उतर जाता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल छुप कर जाना होगा क्योंकि अगर किसी भी ओ ओ ओ थोड़ा सा क्रॉस करके हम लोग जाएंगे। इस तरह हम लोग तेज़ी से जा सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी किसी मेंबर ने यहाँ पर स्टाफ मेंबर ने देखा तो नहीं है, बट वो लोग मुझे देख सकते हैं, लेकिन मैं अंदर जाने वाला हूँ यहाँ से क्योंकि जॉनी विंसेंट को खबर मिली यहीं पर ही उठा के लेकर आए। स्नीक पास द ऑर्डर लाइज एंड फाइंड जॉनी विंसेंट। ओके गाइस, ये देख रहे हो आप लोग, ये बंदे को वहाँ जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग गेट वाले में एंटर होंगे। ओके अभी फिलहाल हम लोग यहाँ का दरवाज़ा खोल लेते हैं, वापस क्राउच कर जाते हैं और अभी फ़िलहाल फटाफट से हम लोग ये वाला गेट भी खोल लेते हैं और क्राउच करते हैं, हम लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन आगे और भी बंदे हैं गाइस, वो जो मुझे इतनी आसानी से अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया ना, ये लोग मुझे आज़ाइलम से बाहर फेंक देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अंदर कैसे जाऊँ। ओके मुझे मैप में दिख रहा है एक बंदा शायद से इस तरफ आ रहा है और मैं अब इस तरफ से जा सकता हूँ, क्योंकि ये मैप का ही सहारा लेते हुए मुझे। ओ भाई साहब, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो अभी स्नीक थ्रू करके हम लोग अंदर जाना होगा गाइस, फटाफट से चलते हैं स्नीक थ्रू करके अंदर हम लोग। चुप रहो। तो गाइस अभी फिलहाल मैं बच बचाते जॉनी विंसेंट के लॉकर रूम तक पहुंच चुका हूँ, जहाँ पर जिस सेल में इसको लॉक करा है। गेट एन ऑर्डरली यूनिफॉर्म फ्रॉम द लॉन्ड्री रूम, द ड्रॉप आउट सेट मी अप, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो गाइस जॉनी, ओके ओके एक मिनट। फिलहाल सो पच गया, उस तरफ से वो बंदा आ रहा था, बट अभी फिलहाल मैं अभी जाने वाला हूँ लॉन्ड्री रूम में, और लॉन्ड्री रूम में एक बंदा फिर रहा है, दरवाज़ा खोलता ही बंदा है, उसके जाने का इंतज़ार करता हूँ उस तरफ पे। कि गाइस ये मिशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिलहाल वो बंदा भी इस तरफ आएगा तो मुझे उस तरफ जाना होगा इस तरीके से। अरे देख लो आप लोग, ये बंदा इस तरफ है, अभी ये इस तरफ वॉक करना शुरू करूँगा तो मैं उस तरफ जाऊँगा और यहाँ से जाके इजीली यहाँ पर गेट खोल लूँगा और फटाफट से यहाँ से इसका ऑर्डिनरी यूनिफॉर्म पहन लूँगा। ओके गाइस, टॉक टू द गार्ड इन द कंट्रोल रूम। ओके गाइस, अब मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म पहन लिया है ताकि ये लोग मुझे कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब मैं इजीली यहाँ पर बिना स्नीक करे इजीली वॉक करके जॉनी विंसेंट के लॉक सेल रूम तक जा सकता हूँ, बट अभी फिलहाल उसके लिए मुझे पहले एक गार्ड से बात करनी होगी जो कि यहाँ पर है। ओके गाइस, अभी फिलहाल मैंने उसको जाने को बोल दिया यहाँ से, क्योंकि मैंने उसको बोला है यहाँ से तुम अपना ब्रेक ले सकते हो, तुम्हारी जगह मैं यहाँ पर ड्यूटी कर लूँगा। तो फिलहाल अभी ये बंदा तो यहाँ से निकल चुका है, जो कि कंट्रोल रूम की रखवाली कर रहा था, कंट्रोल रूम को कंट्रोल कर रहा था, इसकी जगह मैं ड्यूटी पर आ चुका हूँ। और अभी मैंने सारे सेल्स खोल दिए और फिलहाल अब मैं यहाँ पर जॉनी को यहाँ से निकलने में मदद करूँगा। फिलहाल जॉनी भाई साहब तू यहाँ आ जा, जॉनी भाई साहब एक मिनट तू मेरे साथ है ना वहाँ चल। तो जॉनी अभी वहाँ पर जा चुका है और अभी फिलहाल यहाँ पर मुझे यहाँ से निकलना होगा, जॉनी मेरे साथ साथ ही चल रहा है। फिलहाल मैं और जॉनी यहाँ पर भी ब्लॉक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे सेल डोर्स लॉक हो चुके हैं भाई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड अ वे आउट ऑफ द अजाइलम। ओके यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, ये वाला गेट भी बंद है, ये वाला गेट भी बंद है। ओके ओके कुछ यहाँ पर कुछ दिख रहा है मुझे। ओ भाई साहब, यहाँ से ये बैंड हुआ था थोड़ा सा और हम लोग अभी जॉनी को लेके यहाँ से निकलने वाले हैं। फिलहाल ये मैं गलत जगह आ गया, थोड़े से बाथरूम के प्यार, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे वहाँ से जाना होगा। आ जाओ जॉनी मेरे पीछे, ये वाला गेट खुला हुआ है। ओके लेट्स गो, अभी सामने वाले गेट से चलते हैं। ओके यहाँ से ये वाला गेट खुला हुआ है। ओके ये वाला गेट खुला हुआ है, जॉनी अभी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ओके ये वाला गेट ओपन है हमारे लिए और अभी बड़ा इसको ओपन करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ओके गाइस, हम लोग अभी यहाँ पर बाहर आ चुके हैं उस गेट को खोलकर पीछे वाले गेट से, और इस हैप्पी बोल्ट अजाइलम से हम लोग जॉनी को निकाल के सेफली ला चुके हैं। और अभी काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी है और अभी फिलहाल इससे बात कर रहे हैं थोड़ी सी। ओके भाई साहब, ये अजाइलम के अंदर घुसना ना गाइस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अजाइलम के बंदे ना, अभी तू मुझे अंदर जाने से मना कर रहा था है, अभी तो तू मुझे बाहर निकाल के फेंक रहा था और अभी तू मुझसे काम करवाने आ रहा है, चल निकल यहाँ से।
निकल, मैं निकलने वाला कोई भी तेरा काम। अभी फिलहाल गाइस हम लोग क्या होने वाले हैं, अभी सोने क्योंकि अभी रात के 8 बज चुके हैं। फिलहाल अभी फिलहाल जाते हैं सोने और थोड़ा बहुत सुबह उठ के गाइस देखते हैं क्या सीन है। हर किसी को बुली करता है, उसको जिमी भी तो पसंद नहीं करता, तो अभी फिलहाल हम लोगों को उसको एक सबक सिखाना होगा। फिलहाल उसके लिए मुझे जोई ने बोला है कि मुझे हार्डवेयर स्टोर जाना होगा टाउन के, और वहाँ से फिर कुछ चीज़ पकड़ के भाई साहब कोई तो चीज़ लाने का बोला है। वो चीज़ मुझे वहाँ जाके ही पता चलेगी कि मुझे क्या चीज़ लानी है। फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग हार्डवेयर स्टोर, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ वो बोल्ट कटर लेके हार्डवेयर की स्टोर से जोई से बात करने के लिए। गाइस ये है जोई, और यहाँ पर अब हम बर्टन ऑलवेज गोज टू द कैन व्हेन ही गोज रनिंग, वी हैव गॉट टू मेक श्योर ही यूजेस दिस वन एंड सेंड हिम ऑन अ ट्रिप। ओके, ये मैं बोल्ट कटर्स यहाँ पर ले आया हूँ, और यहाँ पर मिस्टर बर्टन जो है ना वो आई विल टेक केयर ऑफ दिस, यू मेक श्योर ही डजंट यूज वन ऑफ द अदर वंस, दिस साउंड लाइक इट्स गोइंग टू बी गुड। ओके गाइस, डिस्ट्रॉय द पॉट इज बिफोर मिस्टर बर्टन फिनिशेस हिज रन। ओके गाइस, अभी फिलहाल सीन ये है हम लोगों को, ओके अभी बहुत सारे हैं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। मैं चेक कर रहा था ज़्यादा दूर तो नहीं है, अगर ज़्यादा दूर होता तो मैं इनको वैसे डिस्ट्रॉय करता जाकर साइकिल पर, बट अभी फिलहाल हम लोगों को इन टॉयलेट्स को डिस्ट्रॉय करना है इससे पहले कि मिस्टर बर्टन आके इनको यूज़ करे। हमें मेक श्योर करना है कि मिस्टर बर्टन जो है वो मिस्टर बर्टन जाकर ना, ओके ये वाला हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अभी फिलहाल मैं स्पॉट गन से डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ क्योंकि ओके मैं स्लिंग शॉट ले लेता हूँ, स्लिंग शॉट ज़्यादा फायदेमंद है। मिस्टर बर्टन यहाँ पर पार्क में ना जॉगिंग कर रहा है, तो इससे पहले कि वो अपनी जॉगिंग कंप्लीट करे हम लोग ना ये जो टॉयलेट्स हैं इनको तोड़ देते हैं, और हम लोग चेक करते हैं कि ना ओके ये वाला टॉयलेट भी टूट चुका है। ओके फटाफट से हम लोग थर्ड वाला टॉयलेट तोड़ते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये मिस्टर बर्टन भाग रहा है। ओके मिस्टर बर्टन, मैं भूल गया था जिम वाला टीचर ही है। ओके ये हमारा जिम टीचर ही है क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हमारे ऊपर भी नाम लगाता है। इसकी वजह से ही जोई नामी जो लड़की है भाई साहब उसको स्कूल से किक आउट कर दिया गया था। ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं जोई के पास, हम लोगों ने उसे वो बोर्ड कटर दे दिया है। अब मिस्टर बर्टन जो है वो यहाँ पर रोज़ वॉक करने आता है, और अब ये वॉक फिनिश करने के बाद ये टॉयलेट ज़रूर जाता है यहाँ पर। तो हमने बाकी सारे टॉयलेट तो तोड़ दिए हैं जो कि पार्क के अंदर मौजूद थे, सिवाय इस टॉयलेट को छोड़ के। ओके अब इसने देखा कि यहाँ पर सारे के सारे टॉयलेट टूट गए हैं, और अब ये वाला टॉयलेट यूज़ करेगा जो कि हमने इसके लिए ट्रैप सेट किया भाई साहब। ओके अब हम कुछ ना कुछ करने वाले भाई साहब, रन द ट्रैक्टर इन टू द डैश। ओके भाई साहब अब ट्रैक्टर इसके अंदर हम लोग मार देंगे। ओके हमने इसको टॉयलेट समेत ही भाई साहब नीचे फेंक दिया पार्क से, और अब शायद इसके कपड़े गंदे होने वाले हैं। हमने इससे अपना रिवेंज लिया है भाई साहब, सारे के सारी डर्ट्स इसके कपड़ों में लग चुकी है, और ये पूरा का पूरा डर्ट ही हो चुका है। ये काफी ज्यादा मजेदार था गाइस, इसी बात पर लाइक ठोक देना यार। ओके भाई साहब अब यहाँ पर इसके साथ बहुत ही गंदा प्रैंक कर दिया हम लोगों ने। फिलहाल मैंने अपने आजाइलम वाले कपड़े अभी तक नहीं उतारे, लाइक सही लग रहे हैं, इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं अभी इसी में अपने टास्क करने वाला हूँ। बाय द वे ये क्या मैं चला सकता हूँ? तू हट यहाँ से, मैं 1 मिनट। ओके मैं चला सकता हूँ, काफ़ी सही है यार। फिलहाल अभी इसको छोड़ दें, अभी चलते हैं हमने नेक्स्ट टास्क की तरफ जो कि होने वाला है प्रेपीथ वेंडलियास्ट प्रेपीस्ट और रिच के ब्लूज है ना। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मैं अभी पहुंच चुका हूं प्रेपीस के बॉक्सिंग क्लब पर। आप लोगों को याद होगा यहां पर मैंने प्रेपीस के मींस रिच के ब्लूज के, रिच के ब्लूज या प्रेपीस बोल सकते हैं हम लोग इनको, इन लोगों के यहां पर सारे के सारे बॉक्सर्स को पीटा था मैंने बहुत गंदी तरह से, और यह बॉक्सिंग क्लब मेरा, मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ जा सकता हूँ। फिलहाल अभी अपना नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, मेरी फिलहाल अभी बात हो चुकी है इन प्रेपीस से, और भाई साहब ये रिच किड ब्लूज या प्रेपीस बोल रहे हैं कि हमारी बॉक्सिंग ट्रॉफीज चोरी हो चुकी हैं, और हाँ इनको शक है ग्रीस बॉल किड्स पर। तो अभी हम फिलहाल न्यू कोवेंट्री जा रहे हैं क्योंकि ग्रीस बॉल किड्स वहीं पर ही रहते हैं,
इनको शक है कि इनकी बॉक्सिंग ट्रॉफी जो है ना वो ग्रीस बॉल किड से चुराई है, और अब ये इसका कसूरवार जिमी को डरा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज जिमी इज द लीडर ऑफ द ग्रीस बॉल किड्स एंड वो सब कुछ पटने वटे सारी बुरे काम रोकने के लिए जिमी भाई साहब इनका लीडर बने, क्योंकि हम लोग इसलिए इन लोगों के सबके लीडर बने ताकि ये लोग एक दूसरे को मारे ना, एक दूसरे को बुली ना करें, छोटे बड़ों को किसी को बुली ना करें और किसी को भी तंग ना करें हमारी बिना किसी इजाजत के, और कोई भी गलत काम इस बुलवर्ड टाउन में बुजबल एकेडमी में नहीं होना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू कॉवेट्री, यहाँ पर हमें ग्रीस बॉल किड को ही देखना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा उनसे कि भाई साहब तुम लोग ट्रॉफी चुरा कर लाए तो सीधे सीधा बता दो, तुम लोग अगर तुम लोग कोई भी ट्रॉफी चुरा कर लाए हो प्रेपीज की बॉक्सिंग ट्रॉफीज तो जल्दी से बता दो, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा वार चाहते हैं। उन्होंने बोला इट्स वार बट ओके वेट अ मिनट यहाँ पर मैं साइकिल से उतर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शायद से पुलिस वाला कोई खड़ा हुआ है, साइकिल से उतर जाओ क्योंकि मेरे पीछे पता नहीं क्यों आ रहा है, मेरी क्लास का टाइम हो चुका है। ओके दोस्त बोरिंग क्लासेस, फिलहाल मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ ग्रीस बॉल किट से पूछने के लिए, वैन से पूछने के लिए। No way, man. After the townies have been saying all that stuff about Lola and made Johnny crazy, we don't care about those. The townies, really? Yeah. And Johnny says that you're no friend of ours anymore. But since you got him, ready beat you, I will guess, I believe. Okay. Go to the warehouse in Blue Skies Industrial Park. Okay, guys. यहाँ पर और बड़ा पंगा हो गया, guys. हम लोगों को भी पता चला है कि ये ग्रीस बॉल किड्स कह रहे हैं कि भाई साहब ये लोग जो है ना, ओ गई एक मिनट मैप पे चेक कर लेते हैं हमारी, ओ गई ये लोकेशन है। तो अभी इस रास्ते सीधे से ट्रैवल करते हुए हम लोग चलते हैं इंडस्ट्रियल पार्क। वेट अ मिनट, ये वाली जगह नहीं है। ओ गई गाइस, अभी फिलहाल ये ग्रीस बॉल किड कह रहे हैं कि इन लोगों को नहीं पता उसकी बॉक्सिंग ट्रॉफीज किसने चुराई है, बट शायद से वो टाउनीज हो सकते हैं, क्योंकि वो हर वक्त उन ट्रॉफीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट ब्लूज के पास है, शायद से उन्होंने चुराई हो। तो अभी फिलहाल फटाफट से चलते हैं हम लोग उनकी लोकेशन पर। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मैं अभी पहुंच चुका हूँ इंडस्ट्रियल पार्क और यहाँ पर देखते हैं भाई क्या सीन है, साइकिल से उतरते हैं और अंदर चलते हैं इस गेट को खोलकर। शायद से ओके ये क्या सीन है गाइस, टाउनीज ओके भाई यहाँ पर और भी खतरनाक तरीके हो गए भाई। ओके अभी फिलहाल मैं आगे की तरफ जाने वाला हूँ। ओके भाई साहब, अब यहाँ पर मैं टाउनीज के इलाके में तो आ चुका हूँ, टाउनीज की जगह पर तो आ चुका हूँ, बट मैं शायद से अब ऊपर जाना है मुझे। ओके भाई सामने भी बंदे होंगे, उनकी मुझे पिक्चर लेनी है कि वो चीज़ों में ना वो डाल रहे हैं चूहे। अभी बड़ा बच देखते हैं भाई साहब के क्या सीन है यहाँ पर ये। ओके यहाँ पर मैंने एक पिक्चर तो इनकी ले ली है टानीज की चूहे डालते हुए। ओ भाई साहब ट्रॉफी उन्होंने चुराई थी, ट्रेवल टाउन टू द डॉग्स। ओके फटाफट से वो डॉग्स के ऊपर है ना टाउनीज, इनके कुछ और बंदे भाई साहब उन ट्रॉफीज को जला रहे हैं जो कि रिचकिट ब्लूज की बॉक्सिंग ट्रॉफीज है। ये लोग चूहे भी मिला रहे थे, पता नहीं कौन सी चीजों में चूहे मिला रहे थे, और अब डॉग्स पर है ना उन ट्रॉफीज को जलाने वाले हैं। फटाफट से चलते हैं हम लोग इस साइकिल पे बैठ कर डॉग्स पर जहाँ पर ये लोग ट्रॉफीज जलाने वाले हैं। मुझे जल्दी सी किसी भी हालत में भाई साहब ओके ये जगह मैं समझा रास्ता बंद है, बट यहाँ से एक रास्ता खुला हुआ था। तो अभी फटाफट से मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से डॉक्स पर पहुँचना होगा, क्योंकि वो लोग वहाँ पर ट्रॉफीज जलाने वाले हैं। इससे पहले वो लोग ट्रॉफीज जलाए। ओके फोटोग्राफ द टाउनीज विद द स्टोलन ट्रॉफीज। ओके हम लोगों को रिच के ब्लूज को ना सबूत दिखाना होगा कि वो लोग उनकी ट्रॉफीज जो है ना वो इन टाउनीज ने ही चुराई हैं। बट अभी फिलहाल बैड फोटोज फेस बैक। ओके थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं और यहाँ से आप ले लेते हैं बैट फोटो। ओके थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं। ओके मैंने जूम करके ट्रॉफी ले ली है, और लेकिन एक बंदे ने मुझे देख लिया, रिटर्न टू द बॉक्सिंग जिम। ओके अभी फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इस बंदे ने मुझे यहाँ पर देख लिया है। फिलहाल मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ और फटाफट से चलता हूँ बॉक्सिंग जिम। इससे पहले कोई और मुझे पकड़ा है, मुझे कोई और व्हीकल लेके यहाँ से निकलना होगा।
फिलहाल मैंने यहाँ पर सोचा नहीं था कि टाउनीज चुराएंगे, बट ये टाउनीज तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है गाइस। ये तो उन जॉक्स लोग जॉक्स से भी खतरनाक है जो कि भाई साहब कब्जा करके बैठे हुए हर चीज़ पर। बट अभी फिलहाल मुझे यहाँ से नहीं, मुझे नीचे वाले रास्ते से जाना होगा और अभी फटाफट से चलते हैं बॉक्सिंग जिम गाइस। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मैं अभी उन फोटोज को लेकर यहाँ पर पहुँच चुका हूँ डर्बी के पास, और शायद से डर्बी है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। It was a tooth fairy, okay? Either it was the tooth fairy or the grease balls. I wonder which one. Actually, trust fund baby. Okay, baby. It was neither. Oh, it was neither. It was those townies. Okay. The ones who hang out by the factory. Them? Factory के बाद जो townies रहते हैं, हम लोग इनको बता रहे हैं कि वो इस तुम्हारी trophy लेकर गए थे। Picture to prove it. और हमने जो picture ली थी, अब हम उससे बताएंगे, इन लोगों को दिखाएंगे कि वो townies जो चुराई थी और उन्होंने जला भी दी वो trophies। Listen, you owe me. जो इन लोगों ने जीती नहीं, पता नहीं जीती नहीं या पैसे लेके खरीदी नहीं है, तो इनको ही पता है। Out of the library, everything, including okay, including your trophies. Why? Because I listened to Gary. So it is your fault. No, it was Gary's fault. Okay, Gary, Gary का नाम है। You are my friend, no ranger. Nobody cares about you or. Okay, इसको छोड़ दो अभी, ये फिलहाल अभी ऐसी बकवास कर रहा है यहाँ पर। Ain't no stopping, Jimmy Hop. तो अभी guys, हम लोग चलते हैं अपना next task करने के लिए, जो कि होने वाला है Here to you, Mrs. Phillips. Let's go. Alright, guys, फिलहाल good morning, guys. अभी good morning तो बोलना भूल ही गया, alright बोल दिया मैंने। तो चलो alright, guys, अभी फिलहाल यहाँ पर मुझे एक अनाउंसमेंट सुनाई दी है जिसमें मेरा नाम है, और इसमें प्रिंसिपल की सेक्रेटरी ने मुझे स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया। प्रिंसिपल का ऑफिस काफ़ी टाइम बाद मैं अंदर जाने वाला हूँ, और गो टू सी द प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पर नया टास्क स्टार्ट हुआ है और उन्होंने बोला गो टू सी द प्रिंसिपल, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सीन ये हुआ, मेरी फिलहाल अभी प्रिंसिपल से बात हो चुकी है, और प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गंद मचा के रखा हुआ है पूरे स्कूल के अंदर, पूरा स्कूल तुमने जानता है, इवन वो फैट बॉय भी जो अपनी पैड को गीली कर लेता है वो तुमसे ज़्यादा पॉपुलर है स्कूल में, और तुम्हारे बारे में मुझे एक लड़के ने बताया गैरी स्मिथ ने कि तुम बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे हो और सारी चीज़ें कर रहे हो। फिलहाल हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब को बोला कि तुम्हारे टीचर्स कैसे हैं, तुम्हारे इस बुलवर्थ अकेडमी कैसी है जिसके अंदर हर कोई दूसरे को बुली कर रहा होता है, मैं सिर्फ उसको सही करने के लिए आया हूँ। बट उस प्रिंसिपल ने हमारी बात नहीं सुनी, क्योंकि गैरी जो कि शुरू से हमारे साथ था, और अब भाई साहब शुरू से हमारे खिलाफ था, बट वो ऐसे ही हमारे साथ होने का नाटक कर रहा था। उसने गाइस प्रिंसिपल को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है, और प्रिंसिपल ने अब हमारी मम्मा को फ़ोन किया है, मदर को, जो कि क्रूज पर है और उसका फ़ोन नहीं उठा रही। तब तक के लिए प्रिंसिपल ने हमें एक्सपेल्ड कर दिया है स्कूल से, और अब हम कोई भी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, ना ही स्कूल का यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, सिर्फ इस बॉयज डॉर्म के अंदर ही रहेंगे हम लोग, ना ही स्कूल के अंदर घुस सकते हैं और ना ही स्कूल का यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। तो गाइस अभी तक ये हुआ है, गैरी स्मिथ को हम नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग गैरी स्मिथ का दी एंड करने वाले हैं, और शायद से इस गेम का भी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट में ये बता देना कि गाइस गैरी स्मिथ को हम लोग क्या सज़ा दें जब वो हमारे हाथ लग जाएगा। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस लेटर।